यातायात के नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहे चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस का अभियान लगातार जारी है। शनिवार को डीएसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में नेहरू नगर चौक में व्यापक रूप से अभियान चलाकर अनेकों वाहन चालकों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने के साथ समझाइश दी गई। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिले की यातायात पुलिस द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों को समझाइश देने के साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना वसूल कर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत शनिवार को डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में नेहरू नगर चौक गुरुद्वारा के समीप व्यापक रूप से अभियान चलाया गया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना सीट बेल्ट, काली फिल्म, दोपहिया में तीन सवारी, बिना हेलमेट दोपहिया चला रहे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर द्वारा बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी गई। वाहनों के दस्तावेज भी चेक किए गए। वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश देने के साथ ही चालानी कार्रवाई भी की गई। अभियान की जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। यातायात पुलिस द्वारा लगातार ऐसे वाहन चालक जो सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं और शराब पी के वाहन चलाते हैं, मोबाइल से बात करते हुए वाहन चलाते हैं, तो ऐसे वाहन चालकों का भी लगातार हम लोग विशेष अभियान चला के अलग अलग पॉइंट बनाया गया है, उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं, समझाइश भी दे रहे हैं और उनको हिदायत भी दे रहे हैं कि जो सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें, हेलमेट लगाएं, ताकि दुर्घटना होने पर सीट बेल्ट और हेलमेट ही हमारी बचत करता है, उसके फायदे भी बताए जा रहे हैं। तो लोगों से भी अपील है कि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं और यातायात नियमों का पालन जरूर करें। यातायात पुलिस लगातार प्रयासरत है अलग अलग माध्यम से कि लोग जागरूक हो, हेलमेट पहने और हेलमेट की उपयोगिता भी बताई जा रही है। ये तो सेल्फ डिसिप्लिन है, लोगों को अपने आप से होना चाहिए कि जब हम घर से निकले तो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए और यदि व्यक्ति हेलमेट लगाता है, सीट बेल्ट लगाता है तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटना से बचत होती है और एक अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलता है। बहरहाल पुलिस ने अभियान को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी दी है, साथ ही वाहन चालकों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।